हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार। मायसेल्फ लोकेश चौधरी। और बच्चों, होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट शीट के स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट, तो हम क्विकली आज इसके 20 मिनट में पूरा डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट शीट्स। तो बेसिकली जो है ना, की स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होती है ऑब्जेक्ट शीट्स की, एक तरीका बताऊंगा मैं ना, उस तरीके को फॉलो करोगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट शीट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट शीट्स हर एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, स्ट्रक्चर आपको पूछा जाता है कि उसमें कितने नॉन मेटल बॉन्ड है, या उसमें कितने ऑक्सी लिंकेज है ना, कितने डिफरेंट काइंड ऑफ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कितने पर्टिकुलर एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये एग्जामिनर्स को काफी इंपॉर्टेंट है ना, अगर उनको कभी कभार उनका हिटिंग करते हैं तो उनको कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, ये सब चीजें आप तभी आसानी से कर सकते हो जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉइंग आती है। चलो स्टार्ट करते हैं ना, एक तरीका बताता हूँ आपके पास। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन शीट्स होगी ना, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन शीट्स होगी, तो आपको ये रूल्स अप्लाई करने हैं, है ना, ये रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। अब ये रूल्स कहाँ होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन शीट्स हो गए आपके पास, है ना, सल्फर के ऑक्सीजन शीट्स हो गए, क्लोरीन के ऑक्सीजन शीट्स हो गए, एक्सेप्ट फॉस्फोरस। ये वाले रूल्स क्या, कभी कभार एक गाद दो स्ट्रक्चर फॉस्फोरस पे ये ट्रिक्स है ना वैलिड नहीं होती, है ना। तो इधर देखो, रूल नंबर वन होता है आपके पास, एक्सेप्ट पहला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पी ऑक्सी एसिड्स आपके पास, है ना। तो ऑक्सी एसिड्स क्या होती थी, पहले तो बता देता हूं मैं आपके पास, ऑक्सी एसिड्स क्या होती थी, ऑक्सी एसिड्स आपके पास होती थी यहां पे, ऑक्सी एसिड्स आपके पास होता था कि नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपके पास नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास ऑक्सी एसिड्स होती थी। क्लियर, ओके। रूल नंबर वन कहता है कि नंबर ऑफ एच इक्वल टू नंबर ऑफ OH, है ना, मतलब जितने भी H होंगे, तो H हमेशा क्या करेगा डियर स्टूडेंट, H को हमेशा हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट फॉस्फोरस, इसमें नहीं बाकी में सब में अप्लाई करके देखना, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, एक दो जगह अप्लाई नहीं होता, बाकी भाई नंबर जितने भी H होंगे वो किसके साथ अटैच होंगे, OH के साथ अटैच होंगे, है ना। और OH क्या बनाएगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज आपके पास क्या है, ऑक्सीजन की दो वैलेंस है ना, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, तो एक ने ऑक्सीजन से बना लिया और दूसरा आपके पास क्या आएगा, इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। क्लियर है ना, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, नंबर ऑफ एच इक्वल टू नंबर ऑफ OH, ओके। पॉइंट नंबर टू, अगर आपको क्रॉस चेक करना, ऑक्सी एसिड्स को क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक, अगर आपको क्रॉस चेक द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर को क्रॉस चेक करना आपको, तो आपको क्या करना बच्चों, सेकंड पीरियड जो ऑक्सी एसिड्स होगी, सेकंड पीरियड ऑक्सी एसिड्स होगी, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपके पास, sp2, है ना। और थर्ड पीरियड जो ऑक्सी एसिड होगी उनका आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा sp3, क्या आएगा, sp2 आएगा सेकंड पीरियड ऑक्सी एसिड्स का, है ना। और थर्ड पीरियड ऑक्सी एसिड का जो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा sp3। क्रॉस चेक कर सकते हो आप, है ना, ओके, है ना। पॉइंट नंबर थ्री आपके पास है ना। अब मैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात करता हूँ, फॉस्फोरस की अगर आपको ऑक्सी एसिड ड्रॉ करना है, कभी भी फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड ड्रॉ करना है, ऑक्सीजन जो फॉस्फोरस, तो आपके पास क्या करना है भाई, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा, एक पी डबल बॉन्ड ओ बनाना है, एक OH बनाना है, बाकी दो वैलेंसी आपको खाली रखनी है। तो ये करो, फिर बाकी उस अकॉर्डिंग आप है ना फिट कर देना ना, ओके। पहला तरीका होता है पी डबल बॉन्ड ओ, OH बनाओ, दो वैलेंसी खाली रख दो एक फॉस्फोरस एटम्स की। रूल नंबर थ्री समझ में आएगा फॉस्फोरस के लिए ना। अब आपके पास एक रूल और होता है, पॉइंट नंबर फोर की अगर मैं बात करूँ आपके पास, यहाँ से पॉइंट नंबर फोर होता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास, कि अगर आपके पास पॉइंट नंबर फोर की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर फोर आपके पास ये है कि अगर आपके पास कि पी टू, तो डाई एटोमिक है ना, या दो एटम्स वाली है ना, यहाँ पे एक सेंट्रल एटम्स होगा आपके पास, एक एटम्स वाले ऑक्सी एसिड्स होगी, जैसे कि आपके पास ये आपके पास सिंगल एटम्स, ये कौन से, दो नाइट्रोजन आ गया ना यहाँ पे, दो नाइट्रोजन आ गए, तो डाई वाली आ गई, तो आपके पास है ना ना डायटोमिक वाली, डायटोमिक की जगह मैं बोलूं तो अगर बेटर आपको बोलूं यहां पे अगर बेटर बोला जाए, एक वर्ड यूज किया जाए कि ये वाली ऑक्सी एसिड्स हो गया आपके पास कि HX, है ना, या ये बोला जाए, हाँ इधर देखिए कि HM
है ना, और इसको बोल दिया जाए कि सेंट्रल मेटल एक्स टू ओ एन, ये वाली अगर ऑक्सीएसिड आपके पास है ना, ये वाली अगर ऑक्सीएसिड से है तो इनके लिए क्या किया जाए, है ना। दो आपके पास समझ में आ गया, यहाँ पे दो एटम्स वाली और हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन, इन वाली ऑक्सीएसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा आपके पास, है ना। तरीका बता देता हूँ, एक्सेप्ट फॉस्फोरस वाले सारे रूल्स किस पे, एक्सेप्ट फॉस्फोरस के लिए ये तरीका वैलिड होगा ना, एक्सेप्ट फॉस्फोरस है ना, एक्सेप्ट फॉस्फोरस, एक्सेप्ट फॉस्फोरस, एक्सेप्ट फॉस्फोरस, है ना। तो आपके पास क्या होगा, आप निकालो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट्स हैं ग्रुप, है ना, या अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपके पास आता है, मैं बताता हूँ, अगर दो तरीका है ना, इसको इसको लिख लो, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या करना है, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है ना, इक्वल टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन ग्रुप ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आता है तो क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा बताइए मुझे, है ना। तो यहाँ पे एक है ना ओनली एक्स एक्स लिंक किया जाएगा, यहाँ पे एक्सओएस लिंक किया जाएगा और यहाँ पर लिंक किया जाएगा, ये लिंक आ जाएगा आपके पास, ये लिंक आपके पास आएगा, है ना, ये बना देना, एक्सेप्ट फॉस्फोरस है ना, बाकी ओके सब वैलिड हो जाएगा हर जगह, ये वाली हो गया आपके पास, क्लियर है, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर आपके पास है, 1 2 3 4, एक पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि अगर आपके पास सपोज अगर मैं बात करता हूं कि एच ओके कोई भी हो गया और एक्स ओ एन, है ना, ये एन, अगर एन ग्रेटर देन 3 है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और ये क्या हो गया कॉमन इंटीजर, कौन सी वाली है, ये कॉमन इंटीजर वाली है, अगर कॉमन इंटीजर है इसमें, कॉमन इंटीजर है ना, इंटी अगर कॉमन इंटीजर आपके पास कुछ इस तरह की ऑक्सीएसिड है एच एक्स ओ एम एम, है ना, एम एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, अगर आपके पास 3 से ज्यादा हुई आपके पास और कॉमन इंटीजर आ रहा है तो उसकी कैसे बनेगी, है ना, उसका बनेगा साइक्लिक, है ना, उसकी कैसे बनेगी साइक्लिक ऑक्सीएसिड्स, वो कैसी होगी साइक्लिक ऑक्सीएसिड्स, साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स, है ना, वो कैसा बनेगा साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स बनेगी अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास है ना साइक, अगर आपके पास है ना कॉमन इंटीजर नहीं है, कॉमन इंटीजर नहीं है तो वो कैसी चीज बनेगी पॉलीमेरिक चेन टाइप बनेगी, है ना। अगर इफ 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 एन इज नॉट कॉमन इंटीजर, कॉमन इंटीजर देन इट फॉर्म, देन इट फॉर्म पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म आपके पास आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको एक बार ध्यान रख लो, एक बार ना नोट डाउन कर लो, फिर आगे अब सीधा इनको अप्लाई करते हैं जो अपने पास एग्जांपल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पांच रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, बाकी अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, जल्दी से नोट करो, नोट करो बच्चों, ये है ना, चलो नोट कर लिया होगा आपने, ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉइंग, क्लियर है, चलो। अब इधर देखो HNO3 है, HNO3 आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्सीएसिड से, नाइट्रोजन के ऑक्सीएसिड से, तो सिंपल सी बात है आपके पास यहाँ से इतना होगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ से ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना आ रहा है, यहाँ पे +5 आ रहा है ना। नाइट्रोजन का HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आप, यहाँ पे आप बनाते हो एन, है ना, और बना दिया आपने ओ, ओके एक डबल बॉन्ड ओ बना दिया, है ना, और कितना बन गया HNO3, HNO3 बन गया ना, तो HNO3 बन गया, नंबर ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ OH, है ना, नंबर ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ OH, है ना, नंबर ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ OH आपने बना दिया, H इक्वल टू OH, एक डबल बॉन्ड दो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो आपके पास है ना, और आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए क्या था कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के ऑक्सीएसिड्स क्या आएगी आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइज आएगी, चलो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज, HNO2 का बनाओ भाई, नाइट्रोजन बनाया, नंबर ऑफ H इक्वल टू OH बना दिया, हमेशा H ये बन गया आपके पास, आपके पास कौन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन क्या आएगा मुझे डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास ये क्या, ये लोन पेयर हो गई आपके पास, अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp2, ओके इसका आपके पास ये आ गया, इसका ये आ गया, इसकी मैं बात करता हूँ H2N2O2, अब ये आपके पास कैसा हो गया, दो एटम्स वाली हो गई, दो एटम्स वाली हो गई, तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आप कितना निकालोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा +1, है ना, -4 तो +1 आएगा, तो आपके पास यहाँ पे NN लिंकेज आएगा, है ना, तो यहाँ पे NN लिंकेज आ गया,
एनएन लिंकेज आ गया आपके पास, एनएन लिंकेज आ गया और एच इक्वल टू ओएच, और ओएच ये बना दिया, ओएच ये बना दिया आपने, और आपके पास क्या डबल बॉन्ड बना दो, आपके डबल बॉन्ड बन गया कंप्लीट। यहाँ पे आपके पास दिस, तो अगेन आपके पास sp2 आपके पास आ रही है, H2N2O2 आपके पास, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? HNO4, ठीक है, HNO4 की बनाओ जल्दी से स्ट्रक्चर, है ना, सारे वीडियो को पॉज करके सबने आपने बना लिया होगा, तरीका मैं बताऊँ। HNO4, HNO4 का निकालोगे आप, HNO4 इधर देखो आपके पास N के साथ OH, तो HNO4 आपके पास है, फोर्थ आपके पास है कि N, एक है आपके पास OH, OH आ गया आपके पास, ओके OH आ गया, एक ऑक्सीजन आएगा आपके पास, एक ऑक्सीजन, अच्छा OH आ गया आपके पास, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड O बना दो, ठीक है, एक ये बना दिया आपने, और आपके पास पर लिंकेज बना दो ना आपके पास, है ना, यहाँ पे अब कहाँ फिट करोगे, अब कहाँ फिट करोगे भाई उसको, इधर देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये वाला पर लिंकेज आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अभी देखो HNO4 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो पर लिंकेज है ना, 1 2 3 4, है ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे HClO3 का बनाओ भाई, HClO3 HClO3 बनाओगे तो पहले देखो क्लोरीन हुआ, एक क्लोरीन OH आया आपके पास, अब कितने ऑक्सीजन बच गए, तो दो बच गए आपके पास, डबल बॉन्ड O लगा दो और ये आपके पास बन गया दिस ClOH4, ओके। HClO2 आपको देखा होगा, HClO2 HCl है ना, और डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा बच गया OH, तीन और दो बॉन्ड आपके पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। अब इधर देखो क्रॉस चेक करना है, थर्ड पीरियड के ऑक्सीजन से हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp3 आ रहा है। HClO की अगर मैं बात करूँ, सेवंथ की अगर मैं बात की जाए, यहाँ पे सेवंथ की बात की जाए तो इधर देखो कैसा आएगा, ClH=OH है ना, ClH=OH यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीजन आएगी, बाकी क्या बनेगा इसके पास, लोन पेयर बना दो, 1 2 3 लोन पेयर बच गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, क्लोरीन वाले का क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे, स्टिल sp3 ओ सेंट्रल एटम से, तो आपके पास ये, ठीक है। एट्थ का बनाओगे HClO4 Cl है ना, तो H=OH बना दिया आपने, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बना दिया, ये आपके पास बन गया दिस, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 9 H3PO4, अब ये फॉस्फोरस की ऑक्सीजन आ गया ना, जिसके स्ट्रक्चर पहले बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, तो अगर 9th की अगर मैं बात करूँ आप, तो फॉस्फोरस का कैसे बनाओगे भाई, पी डबल बॉन्ड O बनाना है, फिर OH बनाना है, दो वैलेंसी खाली छोड़नी है, दो वैलेंसी आपने खाली छोड़ दी, ओके, दो वैलेंसी अगर आपने खाली छोड़ दी, अब इधर देखो आपके पास है ना नंबर ऑफ, है ना, इधर देखो आपने क्या किया, पी डबल बॉन्ड OH आपने, अब कितने ऑक्सीजन बच गए आपके पास, स्टिल आपके पास दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है, तो आपके पास क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। 9th, 10th की अगर मैं बात करूं, 10th क्या वजह बनाओगे, HPO3 पी डबल बॉन्ड O और ये कर दिया OH, दो वैलेंसी खाली छोड़ दी, तो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं अभी, स्टिल एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम बचा हुआ है और दो हाइड्रोजन एटम्स आपके पास बचे हुए हैं, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास हो गया तो H3PO4 है ना, और एक हाइड्रोजन आपके पास, तीन ऑक्सीजन आपके पास और तीन हाइड्रोजन आपके पास, ये आपके पास है, क्लियर, H3PO3। 11th की मैं बात करूँ आपके पास H3PO2 का बना हुआ है, सब ये सब पी डबल बॉन्ड OH आपने छोड़ दिया, दो वैलेंसी बच गई, दो वैलेंसी में अब दो हाइड्रोजन आ गए, ओके, ये बन गया। हाँ भाई, 12th देखो भाई सब, H3P3O6 है ना, H3P3O6, तो आपके पास ये क्या है, आपके पास ये है HPO2 कॉमन इंटीजर है ना, HPO2 कॉमन इंटीजर है, और इसमें आपके पास यहाँ से निकालोगे तो 9 तो प्लस 3 तो लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और यहाँ पे आपके पास, और ये कैसा बनेगा, ये कैसे बनेगी आपके पास, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट है ना, यहाँ पे देखो H3P3O6 H3, और यहाँ पे तो वो रूल्स फॉलो नहीं होता ना यहाँ पे, है ना, HPO2 ये साइक्लिक बनेगी, है ना, कैसी बनेगी, साइक्लिक H3P3O6 का बनाओ एक बार, कैसे बनाओगे, हाँ बनाने की कोशिश करो, या पी नहीं, यहाँ पे HB है, बी फॉर बॉम्ब है ना, H3B3O6 है ना, BB है यहाँ पे ना, है ना, HBO2 थ्राइस है ना, ये वाले ऑक्सीजेट्स है ना, H3B3O6 यहाँ पे, इधर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से आप H3B3O6 है ना, H3B3O6 है, तो यहाँ पे इधर देखो आप कितना आ रहा है इसका ऑक्सीजन स्टेट, इक्वल टू 3 आ रहा है ना ग्रुप, है ना, तो -12 9 9 / 3 तो 3 आ रहा है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कैसा आएगा, साइक्लिक आएगा और BO, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा ये आएगा, है ना, आपके पास साइक्लिक आएगा और BO लिंकेज आएगा ना, आपके पास इक्वल टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आपके पास क्या होगा, कितने आपके पास H बाकी है, 3 तो OH, तो आपके पास ये हो गया H3B3O6,
ओके H3B3O6 आपके पास, और ये दो लोन पेयर हो गई, यहाँ पे दो लोन पेयर हो गई, और यहाँ पे भी आपके पास दो लोन पेयर हो गई है। ओके इस तरह से ड्रॉ करोगे। हाँ H4P2O5 अब फॉस्फोरस की ऑक्सीजन शीट से, भाई फॉस्फोरस की ऑक्सीजन शीट से तो सिंपल सी बात है, 13 को कैसे ड्रॉ करोगे, 13 को आप ड्रॉ करोगे, ये फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस बनाया, एक फॉस्फोरस बनाया, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड OH बना दिया, एक वैलेंस ये खाली रहेगी, एक ये रखी, एक ये रखी, एक ये रख दिया आपने, क्लियर है आपके पास, ठीक है, डबल बॉन्ड OH वैलेंस ही खाली रख दिया, आपके पास OH आ गया, आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए, चार ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, चार ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपके पास खत्म हो गए, खत्म हो गया, आपके पास कितना बचा, एक ऑक्सीजन बच रहा है और दो हाइड्रोजन बच रहा है, दो हाइड्रोजन बच रहे हैं और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक यहाँ पे दे दे और एक ऑक्सीजन लिख दिया आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। 14 की अगर मैं बात करूं, 14 की अगर बात करते हैं, 14 आपके पास है H3P3O9, तो 14 की अगर मैं बात करूं आपके पास ये है HPO3, ये है कॉमन इंटीजर, कॉमन इंटीजर आपके पास है ना, यहाँ पे कॉमन इंटीजर 3 है, तो इसकी ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट निकालो, 19+5 तो +5 के बराबर आ रही है ना, 19 कितना हो गया 18, माइनस 18 प्लस 3 तो 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 तो आपके पास हो गया 5, तो इक्वल टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ रहा है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रहा है, तो POP लिंकेज आएगा और क्या बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है और ग्रुप है ना, साइक्लिक बनेगा आपके पास, साइक्लिक बनेगा तो आपके पास क्या होगा, POO है ना, POP लिंकेज आएगा आपके पास, POP लिंकेज आएगा और आपके पास क्या बच गया आपके पास, अब सिमेट्रिकली तीन ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए, आपके पास कितना बच रहा है, स्टिल 6 ऑक्सीजन ना, तो डबल डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये OH लगा दिया, H के साथ OH आएगा, OH या उन्होंने लगा दिया OH, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 है ना, तो ये आपके पास, तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें पूछा जा सकता है आपको, भाई अब इधर देखो, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टोटल एटम्स कितने हैं, भाई ये कितना है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये ऑक्सीजन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है टोटल कितने एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज है, 14 हो गया। 15 की अगर मैं बात करूँ आपके पास, डीएसपी 15 कैसे ड्रॉ किया आपने, 15 देखो, हाँ H4P2O7 ये कोई कॉमन इंटीजर है ना, H4P2O7 इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो कितना आ रहा है यहाँ से, 14 तो 10 तो 5 तो इसमें भी क्या आएगा, POP लिंकेज आएगा, H4P2O7 है ना, जो लिंकेज बनाते थे अपन, अपन जो फॉर्मूला लगाते थे लिंकेज वाला, वो एक्सेप्ट फॉस्फोरस है ना, वो यूज मत करो नहीं तो कुछ जगह फेल हो जाएगा यहाँ पे। इधर देखो 15 में H4P2O7 H4 दो एटम्स वाली है, तो फॉस्फोरस वाले को ड्रॉ करना, तो आपके पास PP लिंकेज बनाओ, डबल बॉन्ड ओ, OH बना दिया, डबल बॉन्ड ओ, OH बना दिया, ओके एक वैलेंसी खाली छोड़ी, एक छोड़ी, एक ये छोड़ी, एक ये छोड़ी आपने, ठीक है। अब आपके पास ओके कितने ऑक्सीजन आ गए, 1, 2, 4 ऑक्सीजन आ गए, 4 ऑक्सीजन आ गए, स्टिल कितने आपके पास बच रहे हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स बच रहे हैं आपके पास, और कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, 2 आपके पास है ना, 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है ना, 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो एच किसके साथ, OH, ये OH हुआ, OH हुआ और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो आपके पास, तो क्या बन गया ये H4P2O7 टेंशन मत लो है ना, वो वाला तरीका नहीं करना, फॉस्फोरस के लिए अप्लाई नहीं करना, इधर देखो पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल ओ एच है ना, ये हो गया ओ एच, ओके दो वैलेंसी खाली छोड़ो, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा आपने, ओके 1, 2, 3, 4 चार ऑक्सीजन आ गए, चार ऑक्सीजन हो गए और आपके पास कितना हो गया यहाँ से ना, चार ऑक्सीजन हो गए और अभी दो हाइड्रोजन बाकी है, दो हाइड्रोजन बाकी है, तो ये आपको लगा दो दिस एंड दिस, OH OH सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपके पास ये लिंकेज बन गया, ये इसको क्या कर दो PP लिंकेज बना दो, इसको क्या करो PP लिंकेज बना दिया, PP लिंकेज बना दिया, बिकॉज आपके पास यहाँ से देखोगे ना ये PP लिंकेज H4P2O6 तो आपके पास कितना हो गया यहाँ से, तो 12 हो ना, तो आपके पास PP लिंकेज ये स्ट्रक्चर बन गया 16 है ना, और P2O7 का हो गया, ये हो गया आपके पास, ठीक है 2, 2, 4 ठीक है ओके। हाँ H4P2O8 है ना, तो इसका 17 का स्ट्रक्चर बनाए, इधर देखो 17 का स्ट्रक्चर में बनाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आएगा कि फॉस्फोरस लगाया डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच है ना, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक वैलेंसी खाली छोड़ दी, एक दूसरी छोड़ दिया आपने वैलेंसी है ना, अब इधर देखो आपके पास चार ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, आपके पास कितना बच गया, आपके पास यहाँ पे चार ऑक्सीजन बच गए और दो हाइड्रोजन आपके पास, तो ये OH स्टिल अभी दो ऑक्सीजन बाकी है, तो आपके पास क्या करो पर लिंकेज बना दो, सिमेट्रिकली बांटते चलो,
तो आपके पास इस स्ट्रक्चर को क्रॉस चेक करो, अब फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, आपके पास sp3 है, sp3 आ रहा है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है, और 3, 2, 5, 8 कभी बार क्रॉस चेक कर लिया करो स्ट्रक्चर को, ओके 17 की अगर मैं बात करी स्टूडेंट, 18 कैसे बना होगा, 18 का अगर स्ट्रक्चर बनाना आपको, 18 इधर देखो S3PO5 है, तो आपके पास तो स्ट्रक्चर क्या बनाता है, P डबल बॉन्ड O OH बनाना है और दो वैलेंसी खाली छोड़नी है, दो वैलेंसी खाली छोड़, अब स्टिल कितने ऑक्सीजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए, और 3 ऑक्सीजन है और आपके पास कितने बच गए, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो OH लगा दो, और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बच गया तो पर लिंकेज लगा दो, ये लगा दिया आपने दिस 18। 19 की बात करें, 19 बताओ भाई कैसे बनाओगे, H2SO4, H2SO4 का स्ट्रक्चर, अरे यार ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H इक्वल टू OH, H इक्वल टू OH, वैलेंसी खत्म हो गई, ठीक है। 20th, H2SO3, आपने क्या बनाया, H डबल बॉन्ड O बना दिया, अब 2H है तो OH, OH, और इसके पास क्या रह गई, स्टिल एक लोन पेयर रह गई है ना, रोज चेक कर लेना sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा ग्रुप 3 की ऑक्सीजेसिड्स का, ओके H2SO3, चलो हाँ भाई। 21 सल्फर के ऑक्सीजेसिड्स है ना, ये काफी पॉपुलर है सल्फर के ऑक्सीजेसिड्स, H2S2O5 का बनाओ भाई, बनाओ 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 जल्दी से बनाओ, कैसे बनाओगे, बनाओगे बनाओ 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 कैसे बनाओगे इसका, इधर देखो हाँ H2, सबसे पहले मुझे देखो यार, मैं डायरेक्टली अब यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से कितना हो गया +4 आ रही है ना, ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है +4 आ रहा है, लेस देन ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट, तो एस एस लिंकेज आएगा, एस एस लिंकेज आए तो सिंपल सी बात है, एस एस लिंकेज आपने बना दिया तो एच इक्वल टू ओ एच, ओ एच बना दिया, स्टिल कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं आपके पास, यहाँ से बचे 3 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ सिमेट्रिकली बांटते चलो, जिसको नहीं आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो ये आ गया भाई ये 21। 22 बनाओ भाई, H2S2O7, H2S2O7 ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट कितना, ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है 14, 12 तो 6, तो कौन सा लिंकेज आएगा 6 ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट के बराबर, तो SOS लिंकेज, SOS लिंकेज बना दिया, और आप कितना है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करते चलो कितने ऑक्सीजन बच गए आपके पास अभी बाकी है तो ये देखो ये बन गया आपके पास SOS लिंकेज, खत्म काम, ओके खत्म काम। 23 क्या बनाया भाई, क्या बनाया 23 H2S2O6 तो +5 लेस देन ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट, लेस देन ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट, तो के पास क्या आएगा SS लिंकेज, SS लिंकेज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये देखो H इक्वल टू OH बना दिया, डबल बॉन्ड O सिमेट्रिकली बांटते चलो, तो दो और सिमेट्रिकली बांटते चलो, ये बांट दिया आपने सिमेट्रिकली, तो क्रॉस चेक कर लो H2S2O6 H2S2O6, ओके। 24 का क्या बनाया आपने, H2S2O है ना, H2S2O8, H2S2O8 आपके पास है ना, H2S2O7 क्या था आपके पास, ओलियम था आपके पास है ना, H2S2 यहाँ देखो कितना आ रहा है, ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है 16 +2 14, तो +7 आ रहा है सल्फर का है ना, +7 तो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट से ज्यादा आ रहा है, तो आपके पास क्या आएगा पर लिंकेज SOOS आपके पास, फिर यहाँ से आपके पास क्या आएगा OH लगा दो, H इक्वल टू OH लगा दिया, अब सिमेट्रिकली बांटते चलो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कितने बच गए 2, 2 to the 4, 2 to the 6, ओके, और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बांटते चलो आपके पास याद आए 24। 25 की अगर मैं बात करूँ यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, 25th की अगर बात की जाए तो आपके पास क्या होगा H2SO5 की अगर बात की जाए तो आपके पास इधर देखो S है ना, नंबर ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ OH है ना, कि OH लगा दिया आपने, ओके, और कितने ऑक्सीजन बच गए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये पर लिंकेज एक और लगा दिया आपने, फिट कर दिया, OH लगा दिए, तो 2, 2, 4, 5 H2SO5, तो आपके पास ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑक्सीजेसिड्स का आपके पास है ना, जैसे बोरोन की अदर ऑक्सीजेसिड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो सेम ये बच्चों ये जनरल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ना, एक्सेप्ट जो ट्रिक्स जो बताई है एक्सेप्ट फॉस्फोरस पे लग जाएगी, बाकी फॉस्फोरस पे ड्रॉ करने की तरीका आपको पता है कि पी डबल बॉन्ड ओ OH हमेशा साथ में बनाना है, बाकी दो वैलेंसी खाली रखनी है, अगर आपके पास दो एटम्स वाली है तो फिर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको जिसको मिलता है मिलने दो, नहीं मिला तो नहीं मिलने दो, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्सीजेसिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है बच्चों, तो
है ना, तो इससे काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, है ना, तो अब आपको कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्स में पूछ लेता है कि भाई किसमें एसएस लिंकेज होगा, किसमें पर लिंकेज है ना मॉलिक्यूल में, तो तरीका अगर पता है तो आपको स्ट्रक्चर भी नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता हो तो सबसे अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।